तुम मजाक नहीं की करो, मार दे थप्पड़ घुमा। कैसा लगा पहले बोलो जल्दी से। रगड़िए अच्छे से रगड़िए। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी सुबह का 10:30 बज रहा है और ये लड़की यहीं पे बगल में बैठी हुई है। और आज ना हमारे पास कुछ सामान है जो हमने किसी के लिए मंगवाया है। तो यहाँ पे देखो इतना सारा कपड़ा है, इसके अंदर भर भर के कपड़ा है। और ये हमने मंगवाया है पूजा के लिए, क्योंकि उसका बहुत सारा कपड़ा हम लोगों ने ख़राब किया है। तो अब है भरपाई करने की बारी। तो इसमें 4-5 कपड़ा है लगभग, ये हम लोग उसको सरप्राइज देंगे। जल्दी सरप्राइज। अरे सरप्राइज अच्छा वाला है, आप पकड़ेंगे नहीं, आप प्यार से आओ। पकड़ेंगे नहीं भाई, पकड़ने से इसको खौफ है। प्यार से आओ, देखो सामने रखा हुआ है, अभी तो दिखाओ। इस बार सच में सरप्राइज है। इस बार सच में अगर कुछ गड़बड़ किया तुम लोग फिर से। इधर आइए, हमने जितना भी इसका कपड़ा खराब किया है होली में, उन सबका भरपाई है तुम्हारे लिए गिफ्ट। देखो 1, 2, 3, 4। ये देने से पहले ही बोल दूं कि तुम्हारा जो 3000 वाला चप्पल था YouTube काट दिया था तुम्हारा बेटा। ये बस तुम्हारा नहीं है, ये मम्मी का है, ये पर्स। तो उस चप्पल के बदले में मैंने चप्पल मंगवाया है तुम्हारे लिए। ये देखो लो। भाई जितना कुछ इसका हमने बर्बाद किया था या हमारे वजह से हो गया था, उस सब का भरपाई नहीं किया। कार है तेरा, कपड़ा ये देख, 1, 2, 3, 4 टोटल देखो 4 फ्रॉक है। एक में का सेमी आ गया, फ्रॉक है। हाँ देखो, रुको, वन पीस फ्रॉक जो समझ में आया, किया जो भी मैंने ऑर्डर किया, इसमें इसमें इसका बराबर कहाँ था, किसका बराबर था, इसका मतलब पसंद पसंद करने में। ले चप्पल पकड़ो, क्या देखे ठीक हो, ऐसे मत यार सब हटाएंगे। सच में मेरे लिए ये सारा अगर ले ली ना तो तुम देख लेना। देखो ये एक एक रखा जाएगा, पिंक वाला हम, ये वाला तुम। देखो 1, 2 ठीक है, रख, सुंदर लगेगा दोनों अगर कोई पहनते तो। कैसा लगा पहले बोलो जल्दी से। अच्छा कंफर्टेबल, बढ़िया अच्छा लगा ना। बस इतना ही, बस हमको आपको दिखाना था कि जितना भी बर्बाद हुआ ये सब इसको वापस मिल गया। पर ये वाला मेरा है। अकॉर्डिंग ए भाई कौन मंगवाया, किसके लिए है, हम दोनों मंगवाए हैं। तो ये लेकिन मेरे लिए ना, चलो अपन ये मंगवाए, चल सब गिर गया यार। चलो बस इसमें बताना था मुझे, इतना भर कपड़ा खराब करके दो पकड़ा के चमन्नी छाप, सब तुम्हारा है, सब तुमको मिलेगा, छीन के दूंगा ना मैं उससे। ए पकड़, बाप रे, जो इसके पहले खाया था वो आज फिर खाने पे तुला हुआ है। चप्पल तेरा बेटा मेरा खाया है, अगर हमको सबके बदले में एक एक गिन के चप्पल नहीं मिले तो देख लेना। यूटू इसको मारता है गर्दन दबा दबा के, बोलता है क्या कि लेके आया कर मेरे लिए। हाँ, तो दोनों तुम्हारे ही बच्चे है ना, मंगवा के दोगी मेरा। अब तुम दोबारा नहीं करोगे, बहुत नुकसान हो गया, ठीक है बेटा, बहुत नुकसान कर दी हो तुम, दोबारा मत करना, ठीक है ना। गिन्नी ने बोल दिया था कि आके समोसा खिलाएंगे और गए नहीं, इसलिए ये बच्चे यहाँ पे आए हैं। अब घर में जो भी था वो दे रहे हैं, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा। अब अगर चॉकलेट दो ही था, एक चॉकलेट चाहिए तो बिस्कुट देना पड़ेगा, ठीक है, पक्का ना, जाओ। दिख रहा है, शर्मा रहा है। तो यहाँ पे बांस काटने की तैयारी हो रही है और बीच में देखो कांड हो गया है। ए भाई इसको प्लग आउट करो पहले, उसके बाद करना। ये बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, इससे मजाक नहीं। ये देखो चेन उतर गया है, अब चेन चढ़ा उसके बाद इसको काटो, मतलब बांस काटो। भीड़ लग रहा है यहाँ पे, पब्लिक का। देखिए आइए आइए देखिए, ये एकदम जेसीबी की खुदाई जैसा है ना ये भी। ये देखो चेन कैसे उतरा हुआ है इसका। ये भाई सब संभाल के, पूरा खेल मत हो, खत्म कर देना इसका। अरे ये दो बार हाथ काट चुका है मेरा ये। वो पहन लो ना चक्कू काटने वाला जो ग्लव्स था। हाँ मैं ला के दूँ क्या, वो मैं बोलने ही वाला था, ये चीज ला दो तो, ला दो तो है क्या। हाँ मेरे पास है ना, देना। कितना सारा है, एक ही है, वो मलेशिया से आंटी ने दिया था। ले क्या तू, वो वाला ग्लव्स ले और पुराना वाला जो था वो सभी ग्लव्स लेके आओ, ये बांस पकड़ने का काम करेगा। लो पकड़ो, अब तुम्हारा हाथ सेफ है, फिर भी बच के रहना, इस चेन का भरोसा नहीं, ये चक्कू प्रूफ है, ये कटा प्रूफ नहीं है। तो ये देख रहे हो ना आप गड्ढा, ये काफी ज्यादा वैसे दलदल जैसा है, इसमें ये जंप मारने वाली है। अगर तुम्हारा टांग अंदर घुस गया तो ये तुम्हारा रिस्क होगा, याद रखना। ठीक है, कपड़े की खुशी में मार रही है जंप। भाई क्या, कपड़े की खुशी में जंप मार रही है। बिल्कुल हाँ, तो गंदा हो गया तो कोई बात ही नहीं है मेरे पास। चलो कपड़े मिले, तुम्हारा मुंह का सर्जरी भी करा देंगे, प्लीज मुंह तोड़ लो अपना, टूटा हुआ है नाक करा दीजिए। चलिए जब मारिए मारिए ना भाई, अंदर में मारता भी है। मारो, तो डर लग रहा है, मारो। चलो 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 चलो, नहीं कूदो ना यार, देख कितना नीचे गया है। अरे यार वो पहले से गड्ढा था, वो
चलो कूदो कूदो कूदो। धक्का देने के लिए आया है। अब कोई जाओ, इसको बौनी को भेज। नहीं, उसने बोला थोड़ी है कि वो जाएगी। तुम जबरदस्ती क्यों डाल रही हो? उस दिन मैंने भी नहीं बोला था कि मैं गड्ढे में जाऊंगी। चलो चलो, ये तुम्हारा चॉइस था, ये तुम्हारा चॉइस था, रहने दो। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इनफैक्ट हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये खुशी का कारण है हमारे खेत में पका हुआ केला। अबे काटना मत, अभी आ रहे हैं। तो पका हुआ केला है, जो कि काफ़ी दिनों बाद हमें ये इतना बड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ है। आ जाओ जल्दी से, चलो चलो काटते हैं केला। यहाँ पे देखो, ये जो केला देख रहे हो ना, ये पका हुआ है, ये इसका उम्र हो गया शायद। देखो ऐसा तोड़ो, क्या टूटेगा? यानी टूट गया, मतलब ये पूरे तरीके से पक गया है। अगर केला यहाँ से खींचो और मुँह से टूट जाए, मतलब यहाँ से, तो समझ लो कि पूरा पक चुका है। You did everything alone. You never called me to participate. This is the misuse of camera. Misuse of camera. So you are on camera and you can't deny me. Loan up the cow, please cow. ये कच्चा केला था, हाथ से मला हुआ था, ठीक है। भाई बहुत मस्ती हो गई, ज्यादा मस्ती मत करो भाई, बहुत दिनों बाद ही केला मिला है, समझी? केलोरी में तो केला लाई रे, अरे बाल बेले केलोरी में तो केला लाई रे, अलबेले टांगे आला। बकवास कर रही है, ए मारा दूंगा थप्पड़, समझी? नहीं, मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकती। मैंने किया था क्या? मैंने कुछ थोड़ी किया था, मुझे क्यों कर रही हो? मैंने थोड़ी किया था, मैं तो इसमें हुई नहीं। वहां पे एक और किला गिरा हुआ है जिसमें पका हुआ है। ये ना एक्चुअली वैसे नहीं पका हुआ, ये गरम हो गया इसलिए पक गया है। रगड़िए, अच्छे से रगड़िए। मैंने क्या किया? बनाना मसाज दे रही हो फ्री में? और दो, आओ आओ आओ। उठा के देख इसका वजन। आ उठा के देखो, ये ट्राई वंस, उठा के देख। मैंने किया था क्या यार, छेड़ो मत ज्यादा। उठा के देखो ना, ये नहीं पकड़ के देखो, उठा के देखो ना। भाई ये केला बहुत बड़ा है और अभी ना हम लोग खा नहीं पाएंगे। ये अगर एक टाइम में ही सारा पक गया ना, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, हम खा नहीं पाएंगे। तुमने वो गुलदस्ता का तरह जो खुला है वो लिए? चलो ना। हाँ, ला के यहीं पटक दिए, बहुत हैवी है ना ये। एक ये, एक ये, दो। अचानक से ही बाहर आ गई, हम लोग को जाना है
और देखो कौन खाएगा। हमारे आते आते तो ये पक के हलवा हो जाएगा, नहीं तब पक जाएगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है और हाई टेम्परेचर में ये टिकता नहीं है। और ये तो रेडी है, पकड़ तो एक खाऊं। तुम्हारे मुंह का हालत देखो बाद में खाना, पहले ये गर्मी से पक गया है, इसका उम्र हुआ नहीं था अभी पकने का, जवानी नहीं पक गया। मीठा भी है ना। ओए इस पे से तो अगर हम लोग चाहे तो छत पे से आराम से लीची खाएंगे ना इस पर तो। ए तुम बिना सीढ़ी के जा सकते हो क्या ऊपर? हां जाके दिखाओ। बिना सीढ़ी कैसे जाऊंगा? तो वहां तक सीढ़ी, उसके बाद जा सकते हो, जा सकते हो यार, लेकिन ना। अबे ओ नया नवीला घर है मेरा, है नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, उलू 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 उलू, हाँ। नहीं जा पाओगे भाई। अबे यार ये तोड़ देगा भाई, चल जा भाई। अबे मम्मी हाथ है कि राक्षस का हाथ है रे साला, आए तूने बोला ऊपर जाने के लिए, देख बच गया, मर जाता यार मैं वहां से। अभी जो यहाँ इसने खींचा ना तुमको, अच्छा बात मत बोलो, फालतू मत बोलो गिंदी। भगवान ये तुम बार बार उल्टा लटक रहे हो शिवम, आज के बाद नहीं लटकोगे समझे। हम ये बाहर जा रहे हो, बिल्कुल नहीं लटकना है तुमको, हमको बहुत गंदा वाइब आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। चलो 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 यार, ये बिल्कुल भी डरता नहीं है, उसको करने के बाद थोड़ा सा कट लग जाएगा। ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है, इसने फेस पैक लगाया, ये बोल सकती नहीं है, और ये कॉफी कैसे पिएगी बता? तुम कैसे पियोगी कॉफी? मेरे सवाल का जवाब दो, इतना डिस्गस्टिंग लग रहा है ये मुंह में लगाई है इसने भाई, मस्ती मस्ती में इसके मुंह पे फेंक दिया, इसने पूरा चिपका के रख लिया, और लगता है ये एक घंटे तक लगा के रखेगी। और हाँ मुझे पता है ये बेस्ट होता है, ये रील वील में मैंने देखा है कहीं, वहीं से देखे तो सीखा नहीं है तुमने? हाँ ये फलों की प्रेमी है ना, इसलिए ये फलों पर ज्यादा फोकस करती है। ये बुढ़ापा बहुत तेजी से ठीक करता है, मतलब तुमको लग रहा है तुम बूढ़ी हो रही हो। ओब्वियसली 30 के बाद सब बूढ़े हो जाएंगे, एक साल बचा है 30 क्रॉस करने में। अबे कैसा आदमी है, कैसे जोर जोर से झंडा हिला रहा है, अबे ये पागल हो गया है क्या ये? अबे ऐसा क्या हो गया जो तुमको झंडा निकालना पड़ रहा है यार? क्या झंडा फट गया है क्या? इस लड़के को ना खाली इन्हीं सब चीजों में मन लगता है, तुम ये कर रहे हो ना बेटा, इसके चक्कर में तुम ये गुलाब ले लोगे, इतना खूबसूरत गुलाब तुम ऐसे हिला रहे हो, झंझोर दे रहे हो पूरा उसको, ऐसे नहीं निकलेगा, वहाँ खोद के निकालना पड़ेगा। कांटा घुस गया? नहीं यार गुलाब का पेड़ है वो। तू उरी 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 निकल बाहर निकल, हर चीज से मजाक कर लेते हो तुम, अभी मना किए ना रूम में तुमको। मैं ये नहीं रहेगा ना, तो ऐसे लटक के और वापस आके दिखा सकता हूँ। नहीं दिखाना है, जरूरत नहीं है, हटो वहां से तुम। मना किए हैं तुमको, तुम्हारा अभी ठीक नहीं चल रहा, चल हट हट यहाँ से, इस महीने के बाद जो करना होगा करना। शिवम हम मजाक नहीं की कर, मार दे थप्पड़ घुमा के निकल। वापस रोड को, इसके कारण मेरा पूरा फेस पैक बर्बाद हो गया भाई।
अब रुक जा, जब ये किया है तो इसको निकाल लेंगे बाहर। अभी तक हम लोगों ने जो किया था उसमें डालने के बाद कुछ भी खींचा नहीं गया, सब कुछ अभी भी वैसे का वैसे, क्योंकि तुम लोगों ने बोला था कि मैं जाऊंगी। हमारा प्लान था दोबारा भेजने का। हाँ अंदर है, अभी रस्सी अंदर ही है। निकालो इसको, निकाला गया, चलो खोलो इसको, सब निकालो, अभी निकलेगा तो निकल ही जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा शुरुआत की, अभी ये लोग पूरा शुरू करने वाले हैं। अबे कभी उधर कभी इधर, तुम चाहते क्या हो यार? चोट लगाने के मूड में हो क्या आज पूरा? हैं? नीचे आ रहा हूँ। आओ नीचे, बंदर ही था ये, यही तो लगता है कि हम लोग जो है कि पहले बंदर से इंसान बने हैं। यही एक लड़का है जो ये हर बार साबित करता है ये बात। हाथ दुख गया यार, हाथ दुख गया यार, कौन बोला था चढ़ने के लिए यार? चढ़ना भी है और हाथ में दर्द भी नहीं होना चाहिए। ये लड़का चोट लगाएगा हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस लड़के ने एक स्टंट किया था कुएं में उतरने वाला, और अभी इधर पेड़ पे, और इससे पहले भी एक और किया था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आज ही चोट लगाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। आज झंडा चेंज हो रहा है, मुझे लगा कि ये पगला गया जो झंडा इतना जोर जोर से हिला रहा है। नहीं दीदी बोली थी निकालने के लिए, फट गया था। वही 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 भाई, फटा तीन दिन से हमको दो। अच्छा इसलिए ये तरह बजा रहे थे तीन दिन। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी बजना भी अच्छा होता है। इसमें बांस में वजन है या नहीं है? संभाल के आगे लगा के फाड़ मत देना। बस बस बस, ब्रेक मारो, उठाओ, लगाओ, जितना दम है लगाओ। लगाओ इधर से, हम ही उठ जाएंगे। इधर पकड़े हुए सपोर्ट है। हाँ लग, उठाओ, चलो लगाओ मिलकर दम। हटो हटो, अच्छा वो गड्ढा और तो भर गया होगा ना। मौसम के कारण ना हर चीज एकदम खराब हो रहा है। जितना भी घर में सब्जी वगैरह है उन सब का ग्रोथ रुक गया है, और वो लोग ना सूखना शुरू हो चुके हैं। ये तो पहले ही सूख गया था, बाकी का जो है ना, मतलब बाकी का जो बेल है वो भी सब सूख रहा है, और कारण है बस एक चीज़, गर्मी हद से ज़्यादा। और जिस एरिया में पानी छिड़क दो वहाँ पे ना 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा पानी इवेपोरेट होकर उड़ जा रहा है। ये लड़की कॉफ़ी पी, चाय पी, उसके बाद निकल ली। कपड़े ठीक लगा ना तुमको? कपड़े के बारे में तुम क्या बोलना चाहती हो? सही टाइम भी किया ना, अभी इस लड़की को बाहर भी जाना है, मतलब हम चारों को चार दिशा में जाना है, लेकिन जो चौथे बंदे को जाना है वो हमसे थोड़ा लेट जाने वाला है, लेकिन हम चारों चार दिशा में जाने वाले हैं, तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा हुआ। तो हमारा आज का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है भाई, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला गर्मी है, और अब हमने अपने आप को इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, और ये जो मौसम है ये भी बदलेगा नहीं। क्या बोलते हो तुम लोग? कहीं का कोई हिस्ट्री नहीं जानती हो। अभी का ज्ञान चालू हो गया, इसका ज्ञान चालू हो गया। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो ये ज्ञान देने लग गई। इसका ज्ञान देना कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और बार बार मुझे बस एक ही बात कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। आपके वहाँ कितना गर्मी है, क्या टेम्परेचर है, एक बार आप लोग बता देना अगर इतना दूर तक टिके हुए हो तो। मतलब आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।